बिहार में गिरते पुलों पर लालू यादव लगातार एनडीए सरकार को घेर रहे हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव पहले बताएं कि उनके पुत्र के कार्यकाल में किए गए पुल निर्माण में क्यों धांधली की गई, पहले उसका जवाब लालू यादव दे दें। गिरते पुलों पर उनके कार्यकाल में किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पुलों के बेहतर रख रखाव के लिए रणनीति भी बनाई जा रही है। जानकारी लिए हैं कई विभागों के अंदर सड़क के विकास की गति को बढ़ाना, अपराध भ्रष्टाचार को रोकना, समाज के अंदर शांति सामाजिक सद्भाव को बढ़ाना, ये सरकार की प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता को लेकर के हर विभाग की हमने आज परिचयात्मक बैठक किए हैं और काफ़ी विषय की जानकारी लिए हैं। कई विभागों के अंदर सकारात्मक जवाब रहा और कई विभागों के अंदर हमने तैयारी करके के कई नए लोग अभी आए हैं जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, तो पूरी जानकारी प्राप्त कर कर करके वो अगली बार बैठक में फिर हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। श्रीमान लालू प्रसाद यादव के अपने ही कर्मों का फल आज भी भोगना पड़ रहा है और उनके पीरियड के भी कई पुलों का जवाब उनको देना चाहिए कि ये इतना कमज़ोर और जर्जर क्यों था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी के अनुरक्षण और सबके रख रखाव की बेहतर व्यवस्था की समीक्षा भी शुरू की है और जो गलत कर रहे हैं उस पर कार्रवाई भी की है, लेकिन उनके पीरियड में, उनके पुत्रों के पीरियड में किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, करप्शन पर कभी मुंह क्यों नहीं खोला, इसको लेकर के उच्च स्तरीय बैठक क्यों नहीं किया,